Yo, hello everyone. Namaskar, aadab aur sat sri akal. Ki hal chal, main hu Dr. Paramjit. Aap dekh rahe hain Dr. Education. Aur aap sabhi ka swagat hai. क्षमा प्रार्थी हैं हम कि हम 2-5 मिनट हमेशा ही लेट हो जाते हैं, क्या करें, डॉक्टरों का काम ही ऐसा है। और आइए दोस्तों वार्तालाप करते हैं, आपका लाभ हमारी वार्ता थोड़ा बहुत हमारा भी लाभ है कि नहीं। और बहुत ही लंबी ओपीडी और क्लिनिक के टाइम के बाद हम हुए हैं थोड़े से फ्री और हम आपसे बात करेंगे आज भी। और हम बहुत ही ज़्यादा विचलित हैं इन 2-3 दिनों में कि हम यहाँ आ भी गए, यानी दिल्ली में फ्री भी हो गए, लेकिन इतने बिजी चल रहे हैं कि वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। और आज हम रात को डालेंगे ही डालेंगे, और एक नहीं दो नहीं तीन वीडियो डालेंगे लगातार धड़ाधड़, एक के बाद एक। तो जो जागेंगे वो देखेंगे, जो सोएंगे वो खोएंगे, और कोई बात नहीं, कल सुबह देख लेंगे, है कि नहीं। सो आइए शुरू करते हैं आज के 10 सवाल, 10 सवालों के 10 जवाब। और पहले हम खोल के देख लें कि आवाज़ तो आ रही है भाई, 10 जवाब आवाज़ तो बहुत ज़ोरदार आ रही है, तभी हम लाइव जाते हैं कि लाइव में एटलीस्ट आवाज़ क्लियर आती है। आवाज़ क्लियर आना बहुत ज़रूरी है। और सवाल शुरू करते हैं अमन सिंह जी का। पहला सवाल, 10 लाख रुपये के लिए मेरे लेफ्ट लेग पे नीचे कार के टायर चढ़ गया है। अरे बाप रे, ये क्या कर लिया भाई साहब, लेफ्ट लेग के पे नीचे कार का टायर चढ़ गया है, स्वेलिंग भी आ गई है एंकल में, एक्सरे कराया है, फ्रैक्चर तो नहीं है लेकिन एंकल जॉइंट में पेन है, स्वेलिंग है। भैया आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है फिर, अगर फ्रैक्चर नहीं है। कई बार हेयरलाइन फ्रैक्चर होता है और अगर स्वेलिंग है दैट मीन्स देर इज इंजरी। आपके हड्डियां छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पैर में, सो ज़रूर ज़रूर इंजरी है। कृपया उस चीज़ को कतई भी क्या बोलते हैं वो ना करें, सोच विचार कि आप बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, हुआ बिल्कुल है, सॉरी, यू नीड रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। ये मैंने कई हड्डियों वाले वीडियो में बताया है, पेन फ्रैक्चर वाले वीडियोस में, फ्रैक्चर वाला वीडियो शायद नहीं है, ऐसी है कि नहीं है, कि है कि नहीं पता नहीं, बट रेस्ट का मतलब है उस पैर को रेस्ट दो भाई साहब, अब उसके ऊपर जोर मत देना अमन सिंह जी। और आइस, पहले 2 दिन तक आइस लगाइए ताकि सूजन कम हो, उसके बाद फिर आप वॉर्म भी लगा सकते हैं आफ्टर दैट, पर पहले कभी भी गर्म नहीं लगाना। आइस कंप्रेशन एलिवेशन, कंप्रेशन उसके ऊपर लगाएंगे और उसको हमेशा तकिए करके छाती के ऊपर रखेंगे, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू, ओके। एंड यू नीड टू कंसल्ट अ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रिपीटेडली भाई साहब, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको चाहे फ्रैक्चर नहीं है लेकिन उसको इमोबिलाइजेशन की ज़रूरत तो नहीं है, उसको आपको वो करने की ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू शुड गो एंड दैट्स व्हाट आई विल एडवाइज यू, ओके। देन राज कांबले जी का सवाल है, क्या साइकिलिंग और रनिंग करने से मसल लॉस होती है? ये आधी जानकारी हुई जनाब, ये वही बात आ गई, क्या खाना खाने से मोटे होते हैं, बताओ सच की झूठ, क्या खाना खाने से मोटे होते हैं? हो सकते हैं, अगर ज़्यादा खाना खाओगे तो मोटे होगे, कम खाना खाओगे तो पतले होगे, है कि नहीं। सेम चीज़, क्या साइकिलिंग और रनिंग करने से मसल लॉस होती है? हो सकती है, अगर आप ज़्यादा रनिंग करोगे, बहुत ही ज़्यादा साइकिलिंग करोगे, जितना आप खा ही नहीं रहे खाना पीना, तो ज़रूर आपकी मसल लॉस होगी, ये पॉइंट है, है कि नहीं। तो समझने वाली बात है कि कितना कर रहे हैं, समझने वाली बात है कि रेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, समझने वाली बात है कि आपको नॉलेज कितनी है, और समझने वाली बात है, सवाल ये नहीं है कि आपने ये सवाल पूछा, सवाल ये है कि ये पूछने से पहले आपने कौन कैसे बनेगी बॉडी, यानी साइंस ऑफ एक्सरसाइज के हमारे वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपका ये सवाल वाजिब है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप जाके हमारा साइंस ऑफ एक्सरसाइज यानी कैसे बनेगी बॉडी सीरीज देखिए, आपके ये सारे फंडे हो जाएंगे क्लियर, ओके। निर्मल जाट जी, एक बार फिर, HDL is 62, LDL is 148, HDL 62 बहुत ही बढ़िया, 50 के ऊपर HDL होना बहुत अच्छी बात है, प्रोटेक्ट करेगा आपको। LDL आपका 148 थोड़ा ज़्यादा है, उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, डाइट करें, डाइट में तली चिकनाई वाली चीज़ें, दूध नहीं, घी बटर मक्खन मलाई कम खाएं और ठीक हो जाएगा। एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल इज 229, बहुत ही कम है, थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर गिव्स मी अटैक और 20 for 90 days, क्या मुझे लाइफ टाइम तक खानी पड़ेगी? मैं पर्सनली ये दवा नहीं दूंगा आपको,
अब वो डॉक्टर ने दिया, वो उसकी मर्जी, उसका अपना प्रैक्टिस का तरीका। मेरे हिसाब से इतने लेवलों पे आपको कतई दवा की आवश्यकता नहीं है, अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज करने के लिए राजी हैं। अगर आप राजी नहीं हैं कि नहीं भैया हमसे मुंह बंद नहीं होता, हम जो है सब्जियां नहीं खा सकते, हम सलाद नहीं खा सकते, हम दौड़ नहीं सकते, हम बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हैं, तो फिर आपको दवा की ज़रूरत है, वरना नहीं। ठीक है, ये हमारा हिसाब है। आप हमसे इलाज कराना चाहें तो हमें डॉक वाइज एप्लीकेशन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और तब ये दवा बंद कर दीजिएगा। 08039658989 पे कॉल कर सकते हैं उसके लिए। गिरीश शर्मा जी फिर एक बार देखिए, बहुत अच्छी बात है, लोग बहुत रिपीटेडली आते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि सवाल ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, तो लोगों की जिज्ञासाएं भी दूर होंगी इस सारे कार्यक्रम से। विटामिन डी 6 लाख के 13 इंजेक्शन लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ नहीं होगा क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ, विटामिन डी नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता। नकली दवा ली है आपने फिर, ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं अच्छा ये लिख दिया उन्होंने, पता नहीं नकली है क्या है, मेटाबोलाइज नहीं हुए या फिर सिंथेटिक विटामिन काम नहीं करते, ऑनलाइन मंगाऊं क्या करूं? भगवान, एक काम करो, सबसे पहले कई बार क्या है कि जिस लैब से टेस्ट करा रहे हैं वो नकली हो सकती है, तो 2 लैब से अलग अलग टेस्ट कराओ, सेम टेस्ट, और विटामिन डी जो है टोटल कराओ, टोटल विटामिन डी D25 डोटो विटामिन डी कराइए, D3 मत कराइएगा। हमने अपने डी विटामिन डी वाले वीडियो में बता चुके हैं आपको बार बार और लगातार। सो टोटल विटामिन डी 2 लैब से कराइए, और थोड़ा महंगा टेस्ट है हम समझते हैं, और रोज़ाना 15 से 20 मिनट धूप में जाके बैठिए, और उस धूप में अपना फेस और अपने कंधे या अपनी अपर बॉडी बनियान पहन के जाइए, तो आपके शरीर में विटामिन डी बनना शुरू होगा। और कृपया इंजेक्शन जो हैं वो ना लगाएं, अगर इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा आपका। आप कैप्सूल्स या अपराइज D3 कैप्सूल्स या जो भी आती हैं D3 के कैप्सूल या सैशे ले सकते हैं, और पहले चेक कराइए, आप पहले इंजेक्शन ले चुके, हो सकता है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा हो, लैब में गलत रिपोर्ट बताई, आपकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, क्या सच्चाई है क्या नहीं इन्वेस्टिगेट करना होगा, है कि नहीं? इसके लिए आप इन्वेस्टिगेटिव डॉक्टर भी हायर कर सकते हैं, आसपास का कोई भी फिजिशियन अच्छा जो इन्वेस्टिगेटिव हो, जो इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहे। सलमान आरिफ, सर मैं 18 साल से 23 साल की उम्र तक मैस्टरबेट करता रहा। बहुत अच्छे, क्यों छोड़ दिया आपने? शादी हो गई। एनीवेज एंड हर वीक में एक या दो बार, अच्छी बात, मेरी शादी हो गई, देखिए हो गई, बताइए हो गई है, मुझे अपनी सेक्स ड्राइव बहुत कम मिलती है, मिनिमम 1 मत बस, टाइमिंग ज़्यादा कैसे करूं? भाई साहब, ड्राइव कम कर है या टाइमिंग ज़्यादा है, ये बहुत दो अलग अलग सवाल है। देखिए क्या होता है, जो पहले आपको ड्राइविंग में मज़ा आता था, या जो पहले आपको टीवी देखने में या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में मज़ा आता था, वो धीरे धीरे वही चीज़ बार बार करके उसमें सेंसिटिविटी हो जाती है कम, तो सेंसिटिविटी का मतलब उतना ही करने में उतना मज़ा नहीं आता, ये स्वाभाविक सी चीज़ है, कुछ दिन बंद करने से वापस आ सकता है वही सेंसिटिविटी। लेकिन अब जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो है 1 नंबर 1 सेक्स ड्राइव का, नंबर 2 प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन का। प्रीमैच्योर इजैक्युलेशन ज़्यादातर होता है इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी की वजह से, यानी सेंसिटिविटी है ज़्यादा ही है और सेक्स ड्राइव कम है, यानी आपको वो फील नहीं हो रहा लेकिन वहाँ सिमुलेट हो रहा है, वहाँ स्टिमुलेट हो रहा है लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आ रहा, तो आपको लग रहा है कि अभी चालू भी नहीं हुआ, आपको लगता है कि अभी चालू भी नहीं हुआ लेकिन वहाँ आधे से ज़्यादा काम हो गया। सो दिस इज़ समथिंग विच हैपन्स। सो उसके लिए मैंने अपने वीडियो में, प्री मैच्योर इजैक्युलेशन वाले वीडियो में 2-3 मेथड्स बताए हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड, स्टार्ट स्टॉप एंड स्क्वीज मेथड, कॉन्डम मेथड, जाके वो देखिए, उसको ट्राई करें, उससे आपका टाइम तो बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि हमारा ड्राइव कैसे बढ़ाएं, सेक्स ड्राइव कैसे बढ़ाएं। सेक्स ड्राइव बढ़ता है आपकी सोच पे, आपके विचार पे, जितना इंटरेस्ट आप लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, जितने आप खुश रहते हैं, जितने आप दौड़ते भागते हैं, जितने आप एक्टिव हैं, उतने आपके मन के अंदर ये भी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। जितने आप उदास, जितने आप सैड हैं, जितने आप
लेजी हैं उतने आपकी ये ड्राइव भी कम होगी, जितने आप मोटे हैं उतनी आपकी ड्राइव भी कम होगी। लाइफ का इस पे भी इफेक्ट होता है बहुत बड़ा। सो लाइफस्टाइल करेक्ट करना शुरू करिए, ड्राइव बेहतर होती जाएगी। ठीक है, लाइफस्टाइल करेक्ट करिए, एक्सरसाइज करिए, सब्जी भाजी खाइए, बढ़िया बढ़िया से प्रोटीन खाइए, एक्सरसाइज करिए। जब चार लोग आपकी तारीफ करेंगे, एक हाथ लड़की आपकी तारीफ करेगी, चाहे फैमिली वाली हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे साली हो, तो आपके अंदर ड्राइव आएगी। ड्राइव फिर लड़की फीमेल वाइफ का भी काम है कि वो अपने आप को फिट करे, क्योंकि फिट वाइफ को देख के आपको ड्राइव आएगी, अनफिट वाइफ को देख के ड्राइव कम होती जाएगी। सो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें बहुत बड़ा दिमाग नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। समझता नहीं है यार, सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, थोड़ा किडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। बुरा ना मानना भाई साहब, होली नहीं है पर बुरा नहीं मानना। एनीवेज यार, आज मस्ती करने का मन कर रहा था। ऑलराइट, देन शुभम शर्मा, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्या करूं? सेम थिंग यार, बेशरम बनना पड़ेगा आपको थोड़े दिनों के लिए, जैसे हम कर रहे हैं। देखिए कई बार कुछ चीजें, हम देखिए क्या है कि हमारी जो वाइफ हैं और जो बच्चा है वो अभी हैं उनके वहाँ पे मायके में, हम आपके अकेले हैं, तो हमने कहा चलो मस्ती करके जी हल्का कर लेते हैं, जी बहला लेते हैं, मस्तियाँ कर लेते हैं, अब आपके साथ कर लेते हैं जो कोई नहीं है, तो है कि नहीं? सेम चीज़ गोज हियर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप खुद के साथ खुश नहीं है तो दूसरा आपके साथ खुश कैसे होगा? तो आपको खुद के साथ खुश होना पहले सीखना पड़ेगा कि हाउ कैन आई बी हैप्पी, हाउ कैन आई यूज माई टाइम बेटर। इंजॉय योर सेल्फ फर्स्ट, enjoy yourself first, do things जो आपको पसंद है, जो नहीं पसंद मत करो। हमारे पास तो 24 घंटे कम पड़ रहे हैं काम करने के, काम छोड़ो यानी जो चीज़ हमें पसंद है वो करने के, हमारे पास हमको दे दो भैया अपने अपना एक एक घंटा, सब लोग हम कर लेंगे काम। आपके पास बहुत टाइम है। सोशल एंजाइटी इज जस्ट एक टर्मिनोलॉजी बोल दी गई है उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ थोड़ी सी हिचक होती है, सिर्फ थोड़ा सा शर्म आती है, या थोड़ा बहुत आप मान लीजिए हिचकपना है। इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन टेक केयर ऑफ इट वेरी इजीली। थोड़ा सा आपको खुलना होगा खुद से पहले, पहले खुद से। क्या अकेले कमरे में आप ज़ोर ज़ोर से बातें कर सकते हैं? खुद से ज़ोर ज़ोर से उल्टी सीधी बातें, बेशर्म वाली थोड़ी सी इस तरह की, ये देखो बचपना ज़रूरी है, बचपन में कोई सोशल एंग्जाइटी नहीं होती है। बच्चा कहीं भी सुसु कर देता है, कभी किसी को कुछ भी बोल देता है, कहीं किसी को चपेट मार देता है, होता है ना, थप्पड़ मार के आ जाता है, उसको कोई शर्म नहीं। तो उससे थोड़ा सा सीखो, ये नहीं कह रहा मारते फिर रहे लोगों, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या नाम है, बापरे, कोडियार टेलीकॉम मोबाइल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन द मोबाइल्स इज द फिनास्ट्राइड के बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाए। देखिए हम दवाई के बारे में फुल डिटेल वीडियो अभी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये मेडिकल एडवाइस है, ये बीमारी समझने का चैनल है, ये बीमारी का इलाज को समझने का, यानी दवाइयों को समझने का नहीं है, दवाइयों को समझने का काम आपका नहीं है, वो डॉक्टरों का है। जब हम डॉक्टरी वाले मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए चैनल अलग से बनाएंगे, उसमें हम ये बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, बिकॉज आप चाहोगे भी तो 100% समझोगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट कुछ कड़ियाँ टूटी हुई रहेंगी, इसलिए फिर वो कड़ियाँ टूटी से आप गलती कर जाओगे, मिस्टेक कर जाओगे, और अपने खुद के ऊपर नुकसान हो पाएगा, हो जाएगा। सो डोंट डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, एंड डोंट ट्राई टू डू द जॉब ऑफ अ डॉक्टर। ठीक है, वो डॉक्टर के पास रहने दो, आप बीमारी समझो, वो आपको जरूरी है कि बीमारी हुई कैसे और कैसे ठीक करनी है, बिना दवा के या दवा के साथ, वो चीज़ें समझिए। दवा देना है ज़रूरी है कि नहीं है वो हमारा काम है, वो हमारे तक रहने दीजिए। ओके, डी सिंह कहते हैं मुझे अस्थमा है, ओके, विंटर में कुछ भी खाता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, सांस चलने लगती है, और विंटर में कुछ नहीं खा पाता, कैसे सही होगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत वीकनेस हो जाती है। अगर आपको खाने से सांस की प्रॉब्लम होती है, आपने ये सांस चलने लगती है, तो खाने से तो ये नहीं होनी चाहिए। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम में नॉर्मली
कुछ स्टिमुलेशंस होते हैं, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी होती है आपके ब्रोंकियस के, आपके सांस की नलियों की, जो कुछ सांस में चले जाए, कुछ ठंडी चीज गले के आसपास चल सॉरी अभी हम इडली खा के आए हैं, इडली और सांबर। सो उस सेंसिटिविटी में आपके ब्रोंकस हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको सांस चलने लगता है, वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ऐसी बीमारियां हैं। सो अगर आपको अस्थमा है तो आपका एक तो आईजीई लेवल्स बड़े हुए आएंगे, आपके इओसिनोफिल काउंट्स बड़े हुए आएंगे, आपका जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है उसमें गड़बड़ आने के चांसेस हैं, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल आने के चांसेस हैं, या फिर कोई अस्थमा के फीचर्स उसमें दिख सकते हैं। आपको क्या करना होगा, पहले डायग्नोस करिए भाई साहब। स्वागत नहीं करोगे हमारा, कौन है वो, हमसे उठ गया वो, ऊपर चला गया, स्वागत करेंगे थोड़ी देर, रुक जाइए फिर अभी का स्वागत करेंगे आपका। खैर हाँ, ये सही पकड़ा आपने यही वाली ट्यून है, मैं सोच रहा था कि मैंने कौन सा कैरेक्टर पकड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये कैरेक्टर है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, अभी मेरे को वैसे भी याद नहीं आ रहा कौन सी पिक्चर का, बट है यही। तो बहरहाल मिस्टर डी सिंह, आपको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, द बेस्ट ड्रग आई विल टेल यू इज एन एसिटिल सिस्टीन, म्यूसिनैक नाम की दवा खाइए। वो कहने के लिए तो म्यूकस कम करती है, लेकिन वो बहुत बहुत ही जोरदार काम करती है अस्थमा के ऊपर, जो कि कोई स्टीरॉयड भी करेगा उस पर, लेकिन स्टीरॉयड एक तरीके से फिर लास्ट ऑप्शन है आपका। सो दबंग टू, ये बात सलमान खान दबंग टू का है, ये दबंग टू बिल्कुल। सो आप करिए एक एन एसिटिल सिस्टीन का शुरुआत, और मैं तो कहूँगा आप एक काम करिए, आप हमसे कंसल्ट करिए, ऑनलाइन कंसल्ट करिए, राइट, 200 रुपये डाल के डॉक वाइज एप्लीकेशन पे अपनी रिपोर्ट्स डालिए, हम आपके रिपोर्ट देख के आपको एक दो महीने का कोर्स देंगे, ये ठंडियाँ आपकी बिना किसी दिक्कत के निकलवा देंगे, ये हम जरूर कर सकते हैं। तो आपको फ़ोन नंबर तो पता ही है 08039658989, इस पर कॉल करिए, ये लोग आपसे हमारा व्हाट्सएप जैसा कनेक्शन जोड़ देंगे, और फिर आप हमको अपनी रिपोर्ट भेजिए, और फिर देखिए कमाल। अन्नी जी का सवाल, आखिरकार मिस्टर अन्नी ने अपनी फिर से जगह बना ली पहले 10 लोगों में, अब पहले हम देख लें कितने जवाब हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जवाब हो गए, 2 और बाकी। और फिलहाल में एक पेड सवाल आया है, 2 सवाल देने से पहले हम एक पेड सवाल के पास पहले जाते हैं, पेड सवाल यानी कि डोनेशन, डोनेशन आपका हमारे दबंग लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है, दबंग लाइफस्टाइल ये बोल रहा हूँ पता नहीं यानी कि ये वेबसाइट के लिए, भैया देखो डोनेशन आएगा तभी हम किसी को हायर करेंगे, बहुत पैसा लगता है यार, लोग 10,000-20,000 पर मंथ मांगते हैं कुछ भी करने के लिए, कम से कम मतलब लाखों भी मांगते हैं, एडिटिंग करने लग जाए तो बहुत पैसे मांगते हैं, भैया उतना पैसा देने के लिए भी है नहीं हमारे पास। डॉक्टर साहब हाउ टू गो कैलोरी डेफिसिट, अच्छा, एज आई एम गोइंग टू द जिम एंड डोंट अंडरस्टैंड वॉट टू ईट आफ्टर जिम एन एंटायर डे फॉर फैट लॉस एंड लीन मसल मास एंड वेट इज 75 kg, हार्ट इज 5.6। ऑल राइट, आपने ये नहीं बताया, आप थोड़ा सा बता देते, आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, बट एनी वेज नदीम जमादार जी, भाई भगवान सीरियसली जमादार, ओके चलो कोई नहीं, नदीम जी नदीम जी 75 kg वेट है, आप चाह रहे हैं लीन मसल मास, तो पहला काम करिए 1.2 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना शुरू करिए। मतलब मैं आपको मोटा बताता हूँ, मोटा मोटा 90 ग्राम से 100 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाना है, 100 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक्चुअली में। और जिम के बाद क्या खाना, जिम के पहले क्या खाना, इस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, ये कॉन्सेप्ट गलत है, पुराना है और बेवकूफ़ाना है। अब क्या करना है, आपने हर 4 से 6 घंटे में आपने 20-30 ग्राम प्रोटीन खाना है, 20-30 ग्राम 4 से 6 घंटे में, 4 घंटे में खाओगे तो 20 ग्राम, 6 घंटे में खाओगे तो 30 ग्राम प्रोटीन खाना है, पाउडर नहीं खाना है, पाउडर की ज़रूरत नहीं है। आपने एक वीडियो देखना है हमारा साइंस ऑफ न्यूट्रिशन, वो हमारे दूसरे नए वाले चैनल में है, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, साइंस ऑफ न्यूट्रिशन एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, उसमें आपको पता चलेगा कि कितने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इस 90 से 100 ग्राम प्रोटीन को पूरे दिन में कंप्लीट करने के लिए। शुरुआती फेज़ में आप 90 से 100 ग्राम प्रोटीन खाएंगे और सिर्फ 200 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट, यानी डबल 100 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 60 ग्राम के आसपास फैट खाएंगे, ये आपका हिसाब होगा। फैट गिनने की ज़रूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे पहले नेचुरल तरीके से
90 से 100 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और फिर जब आपका पेट ना भरे तब सोचिए कि भैया मैंने कार्ब कितने खाए, क्या मैं कार्ब खाऊं या मैं वेजिटेबल खाऊं। अगर आपने कार्ब ज़्यादा खा चुके हो ये प्रोटीन कंप्लीट करते हुए, यानी अगर आपने अपने प्रोटीन दालों से, पीनट से, उन सब चीज़ों से कंप्लीट करे हैं जिनमें कार्ब्स हैं, वेजिटेबल से, वेजिटेरियन फूड से, तो आप वेजिटेबल ज़्यादा खाएंगे। अगर आपने अपने प्रोटीन कंप्लीट करे हैं नॉन वेजिटेरियन फूड से, तो आपको कार्ब भी खा सकते हो फिर भूख अक्सर लगे तो। इस तरह से आपने अपनी कैलरीज डेफिशिएंसी में जानी है, 1500 से 2000 तक की कैलरी आपने रखनी है, और अपनी एक्टिविटी बढ़ाते जानी है जिम में। जिम में आप कैलरी बर्निंग बढ़ाते जाएंगे तो आपको वजन कम होता जाएगा, और एक लेवल के बाद आपका थिनिंग होगी, फैट लॉस होगा, वज़न कम नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब मसल बढ़ेगी ना, मसल भारी होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि सर मैं थिन पतला दिख रहा हूँ लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा। सेम हियर, अभी हम पतले जरूर दिख रहे हैं पर वज़न वही है, हमारा कम नहीं हुआ, हम वज़न नहीं बताएंगे। चलो बता देते हैं, हम 90 किलो के हैं, मानेंगे 90 kgs, यस आई एम 6 feet and 1 inch आई थिंक, बट ठीक है वज़न भी है, और थोड़ा बहुत हमारा मसल पावर, मसल वसल भी है, 15.5 या 15 के तो हमारे आर्म्स होने चाहिए, 15 के होंगे अभी गिने नहीं, बहुत टाइम हो गया, गिनेंगे किसी दिन गिनेंगे, ठीक है पक्की बात, मतलब पहले गिना था हमने तब थे, अब कम तो नहीं हुए लग रहा, देखेंगे चल। ओके, पेट सवाल का जवाब हो गया। अन्नी जी, सर बियर्ड कहीं आती क्या? यार ये बियर्ड वाला सवाल बहुत बार आता है यार, बियर्ड कहीं आती है कहीं ना आती है, और ना ग्रोथ हो पाती है, विटामिन के कैप्सूल भी ले लिए हैं फिर भी कुछ ना हुआ, आप कुछ बताएं जिससे ग्रोथ हो, बियर्ड ऑयल भी लिए उससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ। अगर आपको लगता है अन्नी जी कि बियर्ड ऑयल और विटामिन के कैप्सूल से बाल बनते हैं तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं, बाल बनते हैं प्रोटीन से, हमने कई बार बताया है, प्रोटीन से और ब्लड सप्लाई से। क्यों आपका मिनोक्सिडिल डालते ही वहाँ ग्रोथ होती है जबकि आपके शरीर में विटामिन की कमी है, तेल नहीं लगाते लेकिन मिनोक्सिडिल डाला वहाँ ब्लड सप्लाई चला गया तो बाल आने शुरू हो जाते हैं, कुछ और नहीं करता मिनोक्सिडिल, सिर्फ वहाँ ब्लड सप्लाई चला जाता है। तो ब्लड सप्लाई बढ़ा लेने के और भी तरीके हैं, और उस ब्लड में प्रोटीन और ब्लड में हीमोग्लोबिन, ब्लड में अलग पौष्टिकता बढ़ाने के और तरीके हैं, न्यूट्रिशन। सो करेक्ट योर बेसिक्स फर्स्ट, ऑलवेज 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 भैया, बेसिक्स ही सबसे बड़ी दवा है दुनिया की। तो जब बेसिक्स ख़त्म करेक्ट होने के बाद ना फिर कुछ हो, या तो आप बोलो कि नहीं सर आपके हेयर लॉस वाले सारे वीडियो देखें और हर एक पॉइंट टिक मार्क करके मैं कंप्लीट कर चुका लेकिन फिर भी मुझे नहीं हो रहा, तब फिर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करिएगा, आपका फ्री में हम इलाज करेंगे। क्योंकि वो बेसिक्स कंप्लीट ना होने के बाद फिर एक ही कारण है, फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, उस केस में फिर आपको प्रोकापिल, मेनोक्सिडिल या कुछ ना कुछ करके या फिर हेयर ट्रांसप्लांट बचता है। हेयर कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एनीवेज, एक भाई साहब ने और पेड सवाल पूछने के लिए पेमेंट किया है लेकिन अभी तक उनका सवाल नहीं आया है। थॉट प्रोवोकर, वो आई वुड लाइक टू हियर योर क्वेश्चन मिस्टर थॉट प्रोवोकर। चलिए तब तक के लिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है ए एन के, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्योर फैटी लीवर? इसका जवाब है जितना समय आपको लगेगा पतले होने में उतना ही टाइम लगेगा फैटी लीवर क्योर होने में। अब बोलेंगे मैं तो मोटा हूं नहीं, लेकिन आपके पेट में कहीं ना कहीं तो फैट है। कई लोग मोटे हैं, कई लोग मोटे नहीं हैं, फिर भी फैटी लीवर है तो वो दारू पीते हैं। कई लोगों के डाइट में फैट है और शरीर में एक्सरसाइज है लेकिन शरीर के एक्सरसाइज करते हुए वहाँ से तो फैट निकल जाता है लेकिन लीवर में बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहल एंड अदर थिंग्स, मैनी अदर फैक्टर्स प्ले अ रोल, जो फैटी लीवर जाता है। अल्टीमेटली यू हैव टू डिक्रीज द टोटल बॉडी फैट। जब टोटल बॉडी फैट यूज़ करोगे तो वो लीवर में फैट पड़ा हुआ, शरीर पागल थोड़ी है कि मैं यहाँ से भी यूज़ करूँगा, गाल भी अंदर घुसा दूंगा लेकिन लीवर में पड़ा फैट यूज़ नहीं करूँगा। नहीं नहीं, तुमको फैटी लीवर रहेगा, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। तो तुम जब शरीर का फैट कम करोगे तो लीवर का फैट भी कम होगा, तो फैटी लीवर कम हो जाएगा। जितनी जल्दी पतले हो गए उतना जल्दी, लेकिन ज़्यादा जल्दी पतला होना खतरनाक है। हमें भाई बार बताया, एक दो किलो से ज़्यादा एक वीक में वज़न कम करना लगातार
लगातार कई महीनों के लिए अच्छी बात नहीं है। एक आध बार में तो सबका हो जाता है, जैसे जैसे फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं वाटर वेट भी कम होता है, ये होता है 5-6 किलो ऐसे ही कम हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये हुआ हिसाब आपका कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम आपको समझने में लगेगा कि वो बीमारी क्या है। कैसे हैं आप? अभी तो ठीक हूँ यार, अभी भी थोड़ी सी सर्दी खांसी का असर है, पर ठीक है। नवरंग तमंग, हेलो हेलो। प्रियंका सक्सेना, फाइमोसिस ट्रीटमेंट बाय स्ट्रेचिंग। खतरनाक चीज़ें बोल दिए भैया आपने, मतलब लिटरली अब ऐसी बात हो गई, दबा दबा के गायनेकोमास्टिया ख़त्म करोगे आप, ऐसी वाली बात हो गई। दबा दबा के गायनेकोमास्टिया ख़त्म हो जाए, फाइमोसिस स्ट्रेच कर कर के ठीक हो जाए, पेनिस खींच खींच के लंबा हो जाए, हाइट के लिए सर या पैर, हाथ और पैर पकड़ के खींच दो लंबा हो जाए, बस ऐसी बात है ये। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो फट जाएगा, वो भी फट जाएगा, वो स्किन फट जाएगा, अल्टीमेटली फट जाएगा। तो फट जाएगा तो वैसे ही कटवा लो, सर्कमसीजन करा लो, फाड़ना क्यों है? कैसी, कौन बोला आपको ये ट्रीटमेंट? पता नहीं कौन बोलता है यार, कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है मुझे खुद नहीं पता। एक पेड सवाल और आया है जहाँ तक हमें समझ आ रही है, हम पेड सवाल का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक देख लेते हैं। एक तो ये YouTube देखिए, हम फिर बोल रहे हैं, मुझे जैसे सीरीज से लाइन से सवाल दिख रहे हैं, वो सीरीज लाइन से सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम बाद में जब आके ये वीडियो देखते हैं तो बीच में सवाल होते हैं, पता नहीं कहाँ से यार ये YouTube का हिसाब किताब, बीच का सवाल कैसे गायब हो जाता है ऑल द वे सडन, राइट। चलो एनीवेज, क्वेश्चन आया है पेड, मिस्टर है कौन, शुभा बोस, शुभा जी पूछ रहे हैं, लिंक नहीं पता चलता इसमें। प्रोबायोटिक्स आर हेल्पफुल और नॉट? यस दे आर हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। क्या सर्कमस्टेंसेस? अगर आपका पेट खराब है या खराब रहता है, अगर आपने एंटीबायोटिक कोर्स लिया है या लेते रहते हैं, अगर आपको दस्त है या आते रहते हैं, तो आपको प्रोबायोटिक जरूरत है। ये तीन कंडीशन बस। अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो प्रोबायोटिक लेना चाहिए, प्रोबायोटिक जिंदगी भर लेने की आवश्यकता नहीं है। दही आप जिंदगी भर खा सकते हैं, दही भी एक नेचुरल वाला प्रोबायोटिक है। याकुल्ट भी ले सकते हैं, याकुल्ट में थोड़ी शुगर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थॉट प्रमोटर ने आखिर सवाल पूछा, हाउ समाइनल वेसिकल फ्लूइड रीअब्सॉर्ब इन ब्लड वेसल्स? समाइनल वेसिकल फ्लूइड का क्या है? वो तो सिर्फ एक बाहर का पानी है, बेसिकली पानी, इट हैज लिटिल बिट ऑफ फ्रुक्टोस, इट हैज लिटिल बिट ऑफ अदर थिंग्स, केमिकल्स। सो वो सिर्फ इन्वायरमेंट है जिसमें स्पर्म्स रहते हैं जिंदा कुछ दिन तक, जब तक वो है। उसके बाद जो एब्जॉर्ब होता है वो पानी ड्रेन आउट होता रहता है समाइनल वेसिकल का फ्लूइड, क्योंकि वहाँ फ्रेश फ्लूइड आना चाहिए। जैसे आपके टीयर्स हैं, टीयर यहाँ से निकलता है, आँख में जाता है, आँख में कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ड्रेन हो जाता है, नाक में निकल जाता है, आपको पता है जो ऐसे करते हो नाक के पानी से निकल जाता है, वैसे हर एक जगह पे जहाँ से सिक्रीशन हो रहा है वहाँ ड्रेनिंग या वहाँ से उसका, जैसे ये घुटने के अंदर जो आपके साइनोवियल फ्लूइड बन रहा है वो भी रगड़न सूजन से धीरे धीरे यूज अप होता है। सेम थिंग आपके समाइनल वेसिकल्स में जो समाइनल फ्लूइड है वो निकलता है आपके अंदर, जब वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाते हैं, जब आप नहीं मैस्टरबेट करते तो भी जब नाइटफॉल होता है तो वो निकल जाता है, या मैस्टरबेट करते हो तो निकल जाता है, सेक्स करते हो तो निकल जाता है, नहीं करते तो भी वो निकलते कोशिश करता है नाइटफॉल के लिए, जिसको आप स्वप्न दोष कहते हैं। चूहे का मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एक एक चूहे कहाँ कहाँ से आते हैं पता नहीं, एनीवेज वो भी सर ऊपर ऊपर घूमते हैं somehow, anyways, चलो क्या था, so समाइनल वेसिकल्स आर स्टिकी, दे वो आपके वहाँ पे चिपके रह जाएंगे और कुछ नहीं, तो डोंट वरी अबाउट इट, वो वैसे वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं बिकॉज दे आर लिक्विड, लिक्विड में कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्म्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं, नेस्त नाबूद हो जाते हैं, उनके अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाता है, सेल का कोई नामो निशान नहीं रह जाता, वो जो छोटे 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 टुकड़े होकर वो अपने बिट्स एंड पीसेस बन के छोटे छोटे पीसेस उसके वेसल्स से, कैपिलरीज से बेसिकली ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, ये है हिसाब किताब। सो पेड सवाल हो चुके हैं, 10 सवाल हो चुके हैं, 25 मिनट भी हो चुके हैं, अब चलते हैं दोस्तों। मज़ा बहुत आ रहा था, लेकिन क्या है, इसको इतना भी लंबा नहीं करेंगे कि आगे कोई देख ही ना पाए। ओके,
सी यू टुमारो। आज और वीडियो आएंगे, देखे बगैर सोइएगा मत। अगर आपको कल सुबह जल्दी जाना है तो सो जाइएगा, क्योंकि कल हमारी है हॉस्पिटल की छुट्टी ऑफ, हम क्लिनिक में बैठेंगे सुबह 10 से 12। तो जिसको क्लिनिक में आके मिलना है तो सुबह 10 से 12 हमसे क्लिनिक में आके मिल सकते हैं, और शाम को जाएंगे अस्पताल। ओके, बाय, सी यू टुमारो, गुड नाइट।